फाइनली वेकेशन आ गया है और मैं अपना वेकेशन मनाने जा रहा हूँ अपना बस्ती अपना फैमिली के साथ। तो हम पहुँच गए हैं कुरमकुमे रेस्टोरेंट। इधर बहुत ही ठंड है इसलिए मैंने एक कप चाय ऑर्डर किया। दिन ख़त्म होने के बाद हम वापस निकल पड़े अपनी जर्नी की ओर। आगे जाते जाते हमें आइडिया नहीं था कि रोड ब्लॉक होगा। देन उसमें भी 2 घंटे वेट करने के बाद हम वापस निकल पड़े अपनी जर्नी की ओर। देन बस ने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ दिया और जीजा मुझे पिकअप करने आए आधे रास्ते तक। तो सुबह का अभी 9:30 हो रहे। कल जर्नी गया था उधर से आते समय बदन बहुत ही थक गया था, बहुत ही ख़राब जर्नी था। सो आने के बाद दारिक सो गया था, तो अभी अभी उलते और अभी काम करने के लिए जाएगा ब्रेकफास्ट करके बम्बू काटने, क्योंकि घर बना रहे, घर बना चुके थोड़ा मोरा छोटा ऐसे काम होते हैं और लकड़ी ऐसे लाना था तो उसको काम कर लेगा। तो अभी शाम का 6 बज चुका है, पूरा काम कंप्लीट तो नहीं हुआ, आज का काम हो गया, कल बाकी है, परसों और करना पड़ेगा, नर्सों और भी बहुत सारा करना है। आज का दिन बहुत ही अच्छा भी नहीं, एवरेज की है, काम पूरा ख़त्म कर लिया, हो गया बस। सो आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस, कल मिलेंगे दोबारा। काम कंप्लीट हो गया है, पहले तो जंगल की लकड़ी उठा रहे, देन अभी बागान से उधर बम्बू प्लांटेशन करने का था, अभी घर जा रहे हैं। बहुत ही थके, बहुत ही ये बैकबोन पूरा ये हो रहा है, जब लकड़ी उठा रहा था ज़्यादा ही भारी था, उससे थोड़ा सा ये दर्द है और ये सोच दो लोग आगे भाई। एंड देन ब्लॉगिंग को यही तक ख़त्म करेगा, क्योंकि काम करते समय में ब्लॉगिंग करेगा ना काम करेगा ऐसे हो जाते, सो दोनों को एक साथ नहीं कर सके, इसलिए पहले काम कर लेगा, बाद में आराम से जब फ्री ऐसे होगा देना आपको दिखेगा मेरा बस्ती कैसे व्यू है, क्या क्या है, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ बताएगा आपको। ओके सो बाय।